मेरे राम जी मेरे राम मेरे राम। सारे भक्त सुनिएगा ये भजन, प्रेम भैया की परिवार की ओर से माता रानी के चरण में मिलके गाइए। ये नजरें तेरे दरबार का मंजर लिए हुए, रोती है आंसुओं का समंदर लिए हुए, और दीदार दीदार अगर नगी हुए तो फोड़ लेंगे सर, क्योंकि दीवाने बैठे के हाथ में पत्थर लिए हुए है। आइए एक भजन और मेरी तरफ से बड़ा छोटा सा और मिलके गाइए कि अंगना में मोरे आजा, अंगना में मोरे आजा। आइए सारे भक्त मिलके गाएं, अंगना में मोरे आजा मैया करो लिवारी, आएगी जरूर मैया आएगी जरूर, आएगी जरूर मैया आएगी जरूर, आएगी जरूर मैया आएगी जरूर, आएगी जरूर मैया आएगी जरूर। कत्ता पूड़िया दे हाजू मेरे वगी दे वगी दे, होने हाथ मैनू मैनू चके लग दे लगू के दी मीठी मीठी हूँ। एक लाइन गाइए, हमने हजारों रातें काटी है जागरण में, हमने हजारों रातें काटी है जागरण में, के हमने हजारों रातें काटी है जागरण में, अब तो दर्श दिखा जा, अब तो दर्श दिखा जा, अब तो दर्श दिखा जा मैया का डाली वाली, अंगना में मोरे आजा मैया करो निवाली। और थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। एक किस्सा मेरे मुख से भी सुनिएगा। एक नगर में एक बादशाह रहता था अली बकार, जाति से मुसलमान एक बादशाह था। एक नगर में एक बादशाह रहता था अली बकार, जाति से मुसलमान था, उसका शौक था नए नए फूलों के बिस्तर पर सोता था वो ताजदार, उसका शौक था नए नए फूल मंगवाना, उनका बिस्तर बनवाना, बिस्तर पर सोना। एक दासी कौन, एक नौकरानी, एक दासी उस राजा का बिस्तर बनाया करती थी, और नित नए नए फूलों से उसके बिस्तर को सजाया करती थी, उसका रोज का काम था। लेकिन वो एक दिन की बात, वो दासी महलों में गई और सजाते सजाते राजा का बिस्तरा उस बिस्तरे पे सो गई। एक राजा के बिस्तर पर एक नौकरानी सो गई, तो क्या हुआ, आया राजा, उसने देखा ये है बाल, उठाया हैंटर और इतनी लगाई मार के उतार दी तन से सारी खाल, कि तू मेरे बिस्तर पर सोई क्यों, मैं राजा और तू नौकरानी, तू मेरे बिस्तर पर सो गई। आया राजा, उसने देखा ये अहवाल, उठाया हैंटर और इतनी लगाई मार के उतार दी तन से सारी खाल। लेकिन उल्टा हो रहा है कि जितनी मार पड़ती थी दासी में वो उतना ही हंसती जा रही, और मार पड़ते पड़ते न दिल में खौफ खा रही। राजा पूछ बेटा, मैं दासी तेरे को इतना मार रहा हूं, तू खून से लथपथ हो रही है, लेकिन तू एक बात बता दे, तू हंस क्यों रही है, तू हंस क्यों रही है। तो दासी ने दो लाइनों में जवाब दिया, अगर बात अच्छी लगे तो ताली बजाना, क्या एक पल, कितने पल राजा, मैं तो किसी को देख के नहीं हंस रही, मैं तो तुझे देख के हंस रही हूं। वो क्यों, कि एक पल, कितने पल, एक पल मैं तेरे बिस्तर पे सोई तो उतर गई मेरी हैंटर से खाल, और तू तो रात भर सोता है राजा, ऊपर क्या होगा तेरा हाल।
मैं तो तेरे बिस्तर पर एक पल सोई थी तो मेरी हेंटर से खाल उतर गई, और तू तो इस पर रात भर सोता है राजा, ऊपर क्या होगा तेरा हाल। मार्के की बात कर गई दिल में असर, छूट गया हाथों से हेंटर, मिट गई सब चिंता फिकर, वो राजा अश्क धारा बनकर बहने लगा और होकर मैया के नाम का दीवाना, सरे दरबार आकर यही कहने लगा। वो राजा कह रहा है मां से, मां वो मेरे सर पे सदा तेरा हाथी रगे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथी रगे, शेरा वाली तू हमेशा मेरे साथ रगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, आचार्य श्री कह रहे हैं, सुनिएगा। तेरे दर पे आने को जी चाहता है, माता रानी तेरे दर पे आने को जी चाहता है, जब मैं यहां पर आ जाऊं यहां से ना जाने को जी चाहता है, ये सर तेरे चरणों में झुक जाए मैया, ये सर तेरे चरणों में झुक जाए मैया, फिर इसे ना उठाने को जी चाहता है, इसे ना उठाने को जी चाहता है, इसे ना उठाने को जी चाहता है। बिजली कड़क रही थी पानी बरस रहा था, दीवाना रोते रोते भैया से कह रहा था, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ है। एक बार हाथ ऊपर सारे भक्तों के, बिल्कुल सीधे, और मिलके गाइए, जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मेरी मैया भोली जय माता।